नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर को देखते हैं। छतरपुर जिले में लगातार नसबंदी के असफल होने के मामले सामने आ रहे हैं। लोग परिवार नियोजन अपनाकर अपने बच्चों के भरण पोषण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक दिशा तैयार करते हैं, लेकिन परिवार नियोजन के आंकड़े और उनके टारगेट को पूरा करने के चक्कर में अक्सर इनमें लापरवाही बरती जाती है, जिससे कई मामले परिवार नियोजन के ऑपरेशन के फेल होने के सामने आ रहे हैं। छतरपुर जिले में ऐसा ही एक ताज़ा मामला सामने आया है। हरपालपुर क्षेत्र के रहने वाले एक दंपत्ति ने छतरपुर आकर इस मामले की शिकायत की है। हरपालपुर में रहने वाले भगवत अनुरागी और उनकी पत्नी गीता अनुरागी ने बताया कि उन्होंने 2015 में नसबंदी का ऑपरेशन कराया था। इस ऑपरेशन के 3 साल बाद जनवरी 2019 में उन्हें बच्चा हो गया। बच्चा लगभग 2.5 माह का है, जो कुपोषण का शिकार है। उधर 3 साल बाद नसबंदी के फेल होने के बाद जब बच्चा हुआ तो परिवार एक बार फिर परेशान हो गया, क्योंकि उनके पास पहले ही 3 बच्चे हैं जिनके भरण पोषण के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरा पहलू इस खबर का ये है कि नसबंदी फेल होने के बाद सरकार ऐसे लोगों को मुआवजा देती है, लेकिन छतरपुर में ऐसे कई मामले हैं जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। मेरी पत्नी को रात में दर्द हुआ पेट में, तो मैंने लगाया 108 को फ़ोन। एम्बुलेंस आई, मैं गया बमीठा में नर्स लोगों ने देखा, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हो जाएगी आपकी डिलीवरी। उन्होंने इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने लिटा दिया, तो मेरी डिलीवरी 3 बजे तक बताया था उन्होंने, 3 बजे तक हो जाएगी। 3 बजे तक हम आराम करते रहे, वहीं बैठे रहे। 3 बज गया तो मैंने बोला, क्यों भाई अभी तक क्यों नहीं डिलीवरी हुई? बोले थोड़ी डिलीवरी हैवी है अंदर शरीर में, तो थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। हमने चलो ठीक है फिर करो। फिर इंजेक्शन दिया उन्होंने, इसके बाद फिर डिलीवरी में 5 बज गया। मैंने फिर पूछा, क्यों भाई अब क्या समस्या है? बोले रुक जाओ, थोड़ी देर बाद हो जाएगी डिलीवरी। फिर गया मैं उन्होंने के पास 6 बजे, बोले बस रुक जाओ आधा घंटा, बच्चा दानी का मुंह खुल गया है, होने वाली है। हमने चली ठीक है, 6:40 पे मेरी डिलीवरी हो गई। 10-15 मिनट मेरी मोड़ी जिंदा रही, इसके बाद बच्ची की डेथ हो गई। फिर इसके बाद बस वहाँ मैं गया अस्पताल बच्ची को लेके, तो वहाँ बताया मम्मी को कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है उसको। फिर मम्मी बोली चलो ठीक है। इतने में डिलीवरी की भी पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर देखा तो बेबी एकदम ठंडी पड़ने लगी, तो उन्होंने बोला भैया आप मेरे पास की बात नहीं, अब तुम छतरपुर ले जाओ। हमने कहा तो हम 6 बजे से बोले रिफ़र कर दो, क्यों नहीं रेफर किया अभी तक? फिर कहाँ पे? फिर बोले एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया हम लोगों ने, बोले अब हम अभी नहीं आएंगे, पहले वहाँ से कॉल करो हमारे पास अस्पताल से। फिर कॉल किया, फिर एम्बुलेंस आई, इसके बाद एम्बुलेंस आई, फिर वहाँ से निकले, तो बस आई निकलने के बाद लेकिन डेथ हो गई। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बमीठा क्षेत्र से, जो कि बेहद दर्दनाक खबर है। यहाँ पर एक महिला और उसकी नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। बमीठा क्षेत्र के ग्राम भूरा पहाड़ी इलाके में रहने वाले रवि मिश्रा की उम्र 25 साल है। 1 साल पहले ही उनकी शादी 23 साल की तेजस्विनी के साथ हुई थी। तेजस्विनी का पहला बच्चा था, पहली डिलीवरी थी, इसलिए वे शनिवार की रात लगभग 11:30 बजे बमीठा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और यहां पर मौजूद नर्सों को अपनी पत्नी को दिखाया। अस्पताल में पदस्थ नर्सों ने हालात सामान्य बताए और तेजस्विनी को अस्पताल में भर्ती कर लिया। सुबह 5:30 बजे महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के कुछ देर बाद ही अंडरवेट बच्ची होने के कारण उसकी मौत हो गई और लगभग 1 घंटे बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। नवविवाहित महिला की मौत होने के बाद उनके परिवारों में गुस्सा है और वे बमीठा थाने में पदस्थ नर्सों पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। 3 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, नसबंदी हुई थी, मतलब तो फेल हो गई है। बच्चा 2.5 महीना पहले हुआ था। बच्चा कुपोषित थे, उसको दूध नहीं पिला पा रही है। गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं। इसकी कहीं शिकायत की आपने? शिकायत की थी। हाँ करी थी, मतलब कोई सुना नहीं भाई। कब शिकायत की थी? वो काफी दिन हो गए, दूध ध्यान नहीं रहा था। 3 साल पहले। और आपको बच्चा कब हुआ है? बच्चा 2.5 महीने का है। 2.5 महीने पहले आपको बच्चा हुआ? अच्छा ये बताइए, अभी आप उसको दूध पिला पा रहे हैं? नहीं पिलाते। क्यों नहीं पिला पाते? दूध निकलता नहीं है भाई साहब, हम कहाँ से पिला रहे हैं? कौन पिला रहे हैं? हम ऊपर को गाय को पिलाते हैं। We'll be right back.
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आकाशवाणी तिराहे पर स्थित चौधरी डेंटल क्लिनिक पर एक बार फिर से दांतों के लिए निःशुल्क शिविर लगाया गया। इस शिविर में लगभग 250 से भी ज्यादा मरीजों ने भाग लिया और दांतों से संबंधित रोगों का निदान कराया। जानकारी देते हुए डॉक्टर रितेश अग्रवाल और डॉक्टर कंचन अग्रवाल ने बताया कि दांतों से जुड़ी सर्जरी भी अब छतरपुर में हो सकती है। इसकी सुविधा छतरपुर में लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज और एक्सीडेंट में बुरी तरीके से टूट गए जबड़े का ऑपरेशन और उसका इलाज भी छतरपुर में अब किया जा सकता है। शिविर के माध्यम से जहां 250 मरीज लाभान्वित हुए, उन्होंने अपने दांतों का चेकअप कराया, तो वहीं कुछ ऐसे लोग जिनके पास इस बीमारी से संबंधित या इनके रोग से संबंधित दवाओं के लिए पैसे भी नहीं थे, उनको निशुल्क दवाइयां भी इस शिविर में वितरित की गई। मैं डॉक्टर कंचन अग्रवाल हूं और आज 28 अप्रैल दिन रविवार को चौधरी डेंटल क्लिनिक पे हमने निशुल्क दंत रोग शिविर का आयोजन किया था। ये हमारा दूसरा शिविर था और यहाँ पे करीबन 250 लोगों ने आ करके शिविर का फ़ायदा उठाया है। हमारे शिविर में आए ज़रूरतमंद मरीजों को हमने मुफ्त में दवाइयाँ भी वितरण करी थी। इसके अलावा हमारी क्लिनिक पे रोड एक्सीडेंट में चेहरे और जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज भी संभव है। साथ ही बच्चे जो टेढ़े मेढ़े दांतों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनका भी इलाज अब यहाँ पे चौधरी डेंटल क्लिनिक पे संभव है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। गर्मियों में खेतों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। राजनगर क्षेत्र में भी दोपहर लगभग 12 बजे खेतों में अचानक आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड यहाँ पर 2 घंटे बाद पहुंची। आग खेतों में लगातार सुलग रही थी और पूरी तरीके से बुझाई भी नहीं जा सकी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि खेतों में जो फसल कटने के बाद जो चारा लगा रहता है या जो डंठल लगे रहते हैं, जिसको नरवाई बोला जाता है, उसमें कृषक जानबूझकर आग लगा देते हैं जिससे कि फसल साफ हो जाए और उनके खेत साफ हो जाए। हालांकि कई बार कृषि वैज्ञानिकों ने इस मामले में किसानों को चेतावनी दी है कि आग लगाने की वजह से उसमें जो पोषक जीव जंतु हैं जो कि फसल को लाभ पहुंचाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और इससे खेती का ही नुकसान होता है। इसके बावजूद खेती करने वाले किसान आग लगाकर खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि हवा के साथ ही आग फैल जाती है। हालांकि राजस्व अधिकारियों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि खेतों में आग लगाने पर 2,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। 12 बजे लग गई थी, 2 बजे आई मशीन, तो अभी बुझा के गई कि नहीं बुझा गई? क्या बन जल रही, हम कहीं बुझा दो भाई साहब, चले जाओ बन जल बजल आगे दिख लो, बजल रही दिख लो आगे बाहर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। 6 मई को छतरपुर जिले के अंतर्गत मतदान होना है। 6 मई की तारीख है और आप सभी मतदान दिवस पर अपने दूसरे कामकाजों को दरकिनार करते हुए मतदान जरूर करें। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम सबसे अपील कर रहे हैं, साथ ही जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि मतदान के लिए किसी भी तरह का बहाना ना बनाए और अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो घर से निकलिए और मतदान करिए। छतरपुर कलेक्टर मोहित बुंदस ने छतरपुर के तमाम पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों से अपील की है कि मतदान दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर मोहित बुंदस ने पत्रकारों को चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। ये भी बताया कि चुनाव में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाएगा, कितनी बाहरी कंपनियां जो सुरक्षा की टुकड़ियां हैं वो छतरपुर पहुंच रही हैं, साथ ही चुनाव के ठीक पहले अवैध शराब के वितरण पर किस तरह रोक लगाई जाएगी, ये भी जानकारी दी। इस मौके पर यह भी बताया गया कि स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिले भर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में तमाम पत्रकार और अधिकारी मौजूद रहे। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 6 मई को यहाँ पे पूरा मतदान दिवस है। मतदान की प्रक्रिया के संबंध में क्या प्रशासन के द्वारा तैयारियाँ की गई है, उसके संबंध में मीडिया के माध्यम से
उसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को जानकारी हो, इस संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। शासन ये अपील करता है कि हर व्यक्ति जो 18 साल से अधिक की उम्र का है वो अपना मतदान का उपयोग अनिवार्य रूप से करे, ये शासन की अपेक्षा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरे ज़िले में स्वीप प्लान का कार्यक्रम जारी है, जगह जगह प्रचार प्रसार रैलियों के माध्यम से और प्रचार रथ के माध्यम से किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जागरूक हो और अपना मतदान करें और मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब देखिए, अब चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है और मेरे ख्याल से तब तक तो अभी बहुत ज़्यादा वैसा समय नहीं है कि लोग ज़्यादा पलायन करेंगे, अपेक्षाएँ सबसे है। और जैसा कि अभी बैठक में कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया, स्वीप प्लान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो भी अपने मतदान का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। तो ड्राई डे रहेगा, जैसा अभी बैठक में साहब ने बताया, आदेश भी जारी कर दिए कि मतदान दिवस को ड्राई डे रहेगा ताकि शराब का वितरण बिल्कुल नहीं हो सके। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर के जिला अस्पताल में एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया है। छतरपुर के अस्पताल में सुबह सुबह एक शव के देखे जाने से यहां सनसनी फैल गई। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेडिकल टीम के मदद से ये शव बरामद कर लिया है। बताया गया है कि अस्पताल के पिछले हिस्से में सुबह के वक्त एक नवजात बच्चे का शिशु देखा गया था। बहरहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि सुबह सुबह यहां ये शव कैसे पहुंचा है। ये हमको अभी सुबह अस्पताल के उसने बताया, टीम ने बताया और तहरीर आई, सो हमने अभी स्वीपर को बुला के उसका अंदर रखा दिया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। खबर सटई से है, जहां पर मतदान के लिए छोटे छोटे बच्चे हाथों में बैनर झंडे लेकर लोगों से अपील करते नजर आए। सटई के नेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने एक रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान का महत्व बताया। बच्चों ने अपने हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर लोगों को बताया कि किस तरह देश के विकास के लिए एक सही सरकार का होना जरूरी है और सही सरकार का गठन हम मतदान से कर सकते हैं। आपको बता दें कि आने वाली 6 तारीख को छतरपुर जिले के अंतर्गत सभी लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाना है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के लिए घरों से बाहर निकलें। हमने रैली पीले चावल देकर प्रेरित किया है कि इस बार मतदान जरूर दें। आज नेत्र रैली के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों ने संदेश दिया कि मतदान इस बार जो है जरूर करें और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हमारे बच्चों ने नगर के सभी लोगों को पीले चावल देकर के प्रेरित किया। रैली जो है स्कूल से होते स्टैंड से होते हुए मार्केट तक गई और लौट के आके स्कूल में ही समाप्त हुई। लोगों को बड़ा उत्साह हुआ, बच्चों को भी अच्छा लगा। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे मतदान की तारीख 6 मई नजदीक आ रही है, बुंदेलखंड की तमाम सीटों पर अपने अपने मतदाताओं को रिझाने और लुभाने के लिए तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता अब यहां पहुंचने लगे हैं। बुंदेली भाषा में बातचीत करके जहां प्रत्याशी मतदाताओं को लुभा रहे हैं, तो वहीं आने वाले दिनों में दिग्गज नेताओं की सभाओं के आयोजन भी यहां किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिवस जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजनगर विधानसभा में एक सभा के जरिए लोगों से वोट मांगे थे, तो वहीं बीती शाम शिवराज सिंह चौहान ने लपकुश नगर में मतदाताओं को फोन पर संबोधित किया। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बड़े नेता मतदाताओं की अदालत में दरवाजा खटखटा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़े 2 दौरे अभी बचे हैं जिनकी जानकारी आई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 30 अप्रैल को टीकमगढ़ लोकसभा के अंतर्गत जतारा में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए छतरपुर कांग्रेस और टीकमगढ़ कांग्रेस ने तैयारियों की एक बैठक की है और बैठक में इस सभा को सफल बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी 2 मई को छतरपुर जिले के अंतर्गत महाराजपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर
कांग्रेस के कामकाज के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। तो 6 मई के पहले कई बड़े नेताओं की सभाएं इस इलाके में हो सकती हैं। एक तरफ प्रत्याशी गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई दिग्गज नेता भी चुनाव के ठीक पहले मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं बिनोद मिश्रा। आइए नाते इस खास खबर पर। यह खबर है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पठापुर रोड स्थित एक शादी समारोह के घर में अचानक ही सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने की वजह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उस सिलेंडर को खोल दिया गया था, लेकिन उस युवक के द्वारा जैसे ही माचिस की सीख से गैस जलाने का प्रयास किया गया, वह जाकर सिलेंडर में आग पकड़ गई। आग पकड़ने की वजह से वहां पर स्थित महेश नाम का एक युवक पूरी तरह से जख्मी हो गया। घायल अवस्था में तत्काल ही परिवार के लोगों ने टैक्सी पर बैठाल करके इसको तत्काल ही छतरपुर के जिला अस्पताल लाया गया और इसका उपचार किया जा रहा है, जहां पर ट्रॉमा वार्ड में इसको भर्ती कर दिया गया है। युवक लगभग 60% से ऊपर जला हुआ है। सिलेंडर में खुलते तो लीक करती, मतलब आग लग गई। और कोई बात तो नहीं थी? और बात नहीं थी भाई साहब, कुछ नहीं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ठेकेदार द्वारा ऐसी रोड डाली गई कि रोड शनिवार को डाली गई और सोमवार को एक जरा सा पैर की ठोकर मारने पर रोड उखड़ रही है। मोटरसाइकिल का ब्रेक लगाने पर रोड उखड़ जाती है और लोग जमीन पर गिर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत की है। दरअसल टुरिया से बनियन तक 6 किलोमीटर की सड़क पहले बनाई गई थी, जिसमें 2 किलोमीटर का एरिया छोड़ दिया गया था। ठेकेदार द्वारा ये एरिया छोड़े जाने के बाद अब इसको शनिवार को बनाया गया, लेकिन इसकी क्वालिटी इस कदर घटिया थी कि काली गिट्टी सड़क के नाम पर बिछा दी गई, जिसके ऊपर डामर नहीं डाला गया और अब लोग इस सड़क की वजह से काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस रोड के ठेकेदार अतुल शर्मा हैं, जिनके द्वारा ये काम किया गया, लेकिन अतुल शर्मा का कहना है कि उनका ठेका पिछले साल की जून को पूरा हो चुका था और ये किसी अन्य ठेकेदार द्वारा बनाई गई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा भी रोड का मुआयना किया गया। अब देखना यह है कि गांव वालों को बेहतर रोड मिल पाती है या नहीं। ठीक नहीं है भैया, पूरे में गड्ढा ही गड्ढा है, ऐसा खुला लो गिरा तो और बच गए, पूरी गिट्टी निकल गई, गड्ढा दिखा रहा है अलग। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं गिरा है वो रोड, उसमें गड्ढे गड्ढा है, गिट्टी टीट कड़ी है। सब में दिक्कत हुआ तो हम लोग जावी में बड़ी परेशानी पड़ा। जहाँ पर गड्ढी थी होते तो बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गया था, कई जगह आज भी रोड वाले भी काम वाले भी जाए थे, सुबह ऐसी ऐसी टाक ढेर लगा जाती, बोले देखा तो जाए गम लूट जाए पैसा आना ही। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार और हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।